told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो है जी बजट फ्रेंडली दावत के बारे में। अच्छा, मैं क्या बना रही हूँ, मैं सबसे पहले बना रही हूँ आलमंड ब्राउनीज़, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच लिया है कोको पाउडर का, और उसमें फिर बाकी मैंने मैदा ऐड किया है और उसको 1 कप बनाया है। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि 2 चम्मच कोको पाउडर और बाकी मैदा डाल के आपने टोटल 1 कप उसको मेजर करना है। उसके बाद मैंने उसको छान लिया, क्योंकि कोको पाउडर में थोड़ी सी गुठलियाँ होती हैं, मैदे में भी होती हैं, तो छानना ज़रूरी होता है, तभी आपका एक फ़ाइन जो है ना वो बनता है जी केक या जो भी ब्राउनीज़ बनाएं आप। मैंने इसमें 3/4 कप डाला कुकिंग ऑयल का और 3 मैं इसमें अंडे ऐड कर दूँगी। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है और 1 कप मैंने डाला है इसमें चीनी पीस के मैंने डाली है, मतलब ग्राइंड करके डाली है। अगर आपके पास फाइन शुगर हो तो वो भी ऐड कर सकती हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड किया था, शायद वो मैंने क्लिप जो है ना वो मिस हो गया है या जो भी, पता नहीं कट हो गया है। अच्छा, 1/2 कप मैंने इसमें डाला है दूध का, क्योंकि मुझे इसको बहुत हार्ड नहीं बनाना, मुझे इसको थोड़ा सा रनी रनी सा रखना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मैं विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें बीटर की भी ज़रूरत नहीं, आप विस्क से आराम से कर सकते हैं और ये बच्चे भी बना सकते हैं, ये इतनी आसान रेसिपी है। इसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके बाद मैंने इसको इसी डिश में डाल दिया और मैं इसको सर्व भी इसी डिश में ही कर दूँगी डायरेक्टली। मतलब ये नहीं कि मैं कोई उसमें केक पैन में करूँ अलग से, मैं इसी में ही सर्व कर दूँगी। बस मैं इसको बेक कर दूँगी। इसके ऊपर मैंने आलमंड डाले काट के, मैंने हवाइयाँ जैसे काटते हैं ना खीर के ऊपर डालते हैं, वैसे काट के डाल दें। अगर आपके पास आलमंड नहीं है, आप अखरोट भी डाल सकते हैं, वो भी छोटा छोटा काट के वो भी डाल सकते हैं, पिस्ता डाल दें, अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। और इसके बाद मैंने इसको 200 पे मैंने 40 मिनट के लिए बेक कर दिया था। आप ओवन के बारे में बहुत पूछते हैं, ये तो ये मेरा एनेक्स का ओवन है और इसका जो मॉडल नंबर है या जो भी है वो मैं इंशाल्लाह उस पर डाल दूँगी इंस्टा पे। अच्छा, मैंने क्या किया कि यहाँ पे 1 मीठा तो बना के रख लिया था, अब मैं बना रही हूँ 2रा मीठा जो कि है क्रीम फ्रूट सैलेड। और ये इतना बनता है, अब तो मुझे लगता है कि ये हमारी कॉमी डिश हो चुकी है क्रीम फ्रूट सैलेड की, और ये पसंद भी सबको होता है। और अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने एक छोटा टेट्रा पैक लिया जी व्हिपिंग क्रीम का, और एक और भी मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था, तो समझ लें कि 1.25 पैक मैंने व्हिपिंग क्रीम का लिया है। उसमें 1 चम्मच मैंने मेयोनीज ऐड किया है और 5 छोटे चम्मच मैंने चीनी ऐड किया है, क्योंकि मैं इसको मीठा बनाऊंगी, ये भी डिज़र्ट के तौर पे ही मैं सर्व करूंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स किया और फ्रूट्स मैंने यहाँ पे काटे हुए हैं जी, इसमें 5-6 मैंने बनानास काट लिए हैं, 2 मैंने मैंगो काट लिए हैं, 5-6 मैंने जो वो होते हैं पीच होते हैं वो काट लिए हैं, थोड़ी बहुत खुबानियाँ, मतलब जितने भी फ्रूट हों। इसमें अंगूर बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अंगूर आजकल हैं नहीं यहाँ पर, मुझे मिल ही नहीं रहे। अच्छा, इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और ये बड़ी मज़े की लगती है, खाने में भी बड़े मज़े की लगती है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि ये बजट फ्रेंडली नहीं है और हैवी बजट है, तो इससे मज़ीद भी अच्छी मैं लो बजट वाली जो डिशेज़ हैं वो लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी चिकन पुलाव, जिसके लिए मैंने यखनी बनने के लिए रख ली है, और मैं बना रही हूँ 2 kg चिकन पुलाव, जिसके लिए मैंने 1.5 kg चिकन लिया है। उसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला है और मैं सारे मसाले भी तकरीबन इसमें डाल दूँगी, कुटी मिर्च डालूँगी
और हम लोग कुटी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। मैंने एक छोटा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और नमक डाल दिया है। बस यखनी की रेसिपी बता रही हूँ, बाकी बहुत ही सिंपल चिकन पुलाव जैसे आप अपने हिसाब से बनाते हैं वैसे ही बनाएं। और इसमें धनिया भी ऐड कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और चिकन के कटलेट्स, जो कि ये भी बजट फ्रेंडली हैं जी, बड़े आसानी से बन जाते हैं और चीज़ें भी सारी अवेलेबल होती हैं। मैंने हाफ़ के जी जो है वो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और यहाँ पे ज़ीरा जो है मैं हल्का सा रोस्ट करके डालूँगी। इसकी तो कमाल की खुशबू आती है और जब इसका टेस्ट मुँह में आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। एक चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है, ठीक है जी। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, कुटी मिर्च डाली है मैंने तकरीबन एक चम्मच, और नमक हस्बे जायका डाला है, मैंने वैसे एक चम्मच डाला था। बारीक बारीक कुतरी हुई जैसे मिर्चियाँ होती ना, बारीक बारीक कर लेनी है, वो मैंने ऐड कर दी। दो मैं इसमें ब्रेड स्लाइसिस ऐड कर दूँगी, इसका जो ब्राउन वाला पार्ट है ना वो काट लूँगी, क्योंकि इसके गुठल से बन जाते हैं ना, तो फिर मैं उसमें वो नहीं ऐड करूँगी, बस दो स्लाइस ये चले जाएँगे इसके। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने चिकन अभी यखनी के लिए रखा था, चावलों की यखनी के लिए, उसी में से मैं बोनलेस थोड़ा सा चिकन निकाल के ना, उसको मैंने हल्का सा समझ लिया कि दो प्रेस में उसको ग्राइंड कर लिया था। और ये जो लाल लाल नज़र आ रहे हैं ना, मैंने अभी पोटैटो ग्राइंड किए थे सालन के लिए। अच्छा, मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया और मैंने अलग से इस चिकन को बॉयल नहीं किया, मैंने उसी में से ही निकाल लिया था। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और हम इसको फ्राई करेंगे इसके साथ, अंडे के साथ। तो बस इसके छोटे छोटे से दरमियाने साइज के शामी बना के फ्रिज में रख दूंगी। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ जी मेथी चिकन, और ये भी बहुत अच्छी रेसिपी है। जब मैं कहती हूँ कि अच्छी रेसिपी है तो भाई अच्छी होती है, तो मैं कहती हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया कि एक कप मैंने ऑयल डाला है, और ये क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो ऑयल भी ज़्यादा मैंने इसमें डाला है। मैंने साबुत गरम मसाला इसमें डाल दिया, थोड़ा सा कड़कड़ाने लगा, तो मैंने इसमें दो बड़ी प्याज जो है ना मैंने चॉप कर ली थी। अच्छा, मैंने बिल्कुल ब्लेंड नहीं किया है, मैंने इसको चॉप किया है, बारीक चॉप किया है, मतलब फाइन चॉप समझ लें कि हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी ब्राउनीज जो हैं वो बेक हो चुकी थी, उनको मैंने निकाल लिया और आपने देखा कि इसके आलमंड भी ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसकी सॉस बना रही हूँ, तो मैंने एक छोटा ब्लॉक लिया जी चॉकलेट बार का, और मैंने यहाँ पे दो चम्मच ऑयल डाले हैं, दो चम्मच मैंने इसमें कोको पाउडर डाले हैं, और मैं चीनी डालूँगी तकरीबन दो से तीन चम्मच, मैं इसमें चीनी डालूँगी तकरीबन तीन चम्मच हो गए थे, ठीक है। इसमें हल्का सा पानी डालूंगी और इसको हल्की आंच पे मैं पकाऊंगी। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है वरना चॉकलेट जो है वो जल जाती है। वैसे तो इसको स्टीम के अंदर पकाया जाता है, लेकिन मैंने कहा खैर मैं मैनेज कर लूंगी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो आपने हल्की आँच पर इसको पकाना है और आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने लग जाएगी, और मुसलसल चलाना है ताकि एक जगह से वो लग ना जाए। और चॉकलेट जो है वो मेल्ट होने लगी है, बस हो ही गई है मेल्ट, तो बस इसके ऊपर मैं पोर कर दूंगी ब्राउनीज के ऊपर, और इसके पीसेस पहले काट लूँगी ताकि वो अंदर तक सॉस जो है ना वो अंदर तक चली जाए। और इतने मज़े के लगे थे, ये मैं इसलिए रफ रफ काट रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर सॉस आ जाएगी तो ये सारा कवर हो जाएगा, ठीक है जी। तो मैं इसको आप बाहर रख के सर्व करें या फ्रिज में रख लें, मैंने वैसे फ्रिज में इसको रखा था। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने कोकोनट जो है ना वैसे थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन सा बना लिया है, आप चाहें जिस तरह से भी डेकोरेट इसको कर सकते हैं। मैं डेकोरेशन में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे जैसे समझ आता है बस मैंने वो इसको कर लिया। अच्छा, यहाँ जी मेथी चिकन के लिए मैं प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन कर रही हूँ। आपने इसका कलर चेंज करना है, क्योंकि बारीक प्याज होती है तो इसको कलर चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जैसे कलर चेंज हो गोल्डन की तरफ आने लगे, दो चम्मच मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और साथ साथ मैं यखनी में भी चम्मच चलाती आ रही हूँ। और यहाँ पे जी मैंने पांच बड़े टमाटर जो है ना उनको भी मैंने चॉप किया है, मैंने ब्लेंड नहीं किया क्योंकि मुझे ग्रेवी नहीं चाहिए, मुझे
मसाला जैसे होता है ना, मसाला मुझे चाहिए, वो डाल के मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया है और इसमें चिकन डाल दिया, और ये चिकन भी 1.5 kg ही है। बस इसको डाल के मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और आज मैं स्टील वाला चम्मच यूज़ कर रही थी लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। स्टील वाला चम्मच सालन में मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लकड़ी वाला चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में खैर मैंने चेंज कर लिया था। अब बारी आती है जी मसालों की। तो मैंने 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च डाली है, 2 चम्मच कुटी हुई मिर्च डाली है, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी डाली है और नमक डाला है, और ये मेरे पास छोटी कटी हुई बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें भी हैं। अब मैं इसको बस भून लूँगी। और इसकी भुनाई आपने ज़्यादा करनी है क्योंकि कच्चापन नहीं होना चाहिए मसाले में या चिकन में। अच्छा, मसाला जब अच्छी तरह से भून गया था, ऑयल ऊपर आने लगा, तो मैंने 1 मुट्ठी भर के मैंने सूखी मेथी डाल दी। आप चाहें तो फ्रेश मेथी भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मेरे पास ये थी तो मैंने ये डाल दी है। साथ में मैंने सब्ज़ धनिया भी मैंने चॉप करके वो भी डाल दिया है। अब फिर से इसकी भुनाई करूँगी। अच्छा, ये वाला जो सालन है या ये जो भी चिकन है, ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, और अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाएं तो आपको सेम यही टेस्ट मिलेगा जो मैं आज बना रही हूँ। इसके बाद जी मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला था ताकि चिकन में जो भी कसर है ना वो ख़त्म हो जाए। बस इसको यहीं पे अच्छी तरह से भुनाई हो रही है इसकी। अच्छा जी, अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पुलाव, और पुलाव आपने अपने हिसाब से बनाना है। मेरा कोई ऐसा, मेरा भी सिंपल तरीका है, बस मैं ये है कि चिकन क्यूब्स मैंने अभी जो आपने देखा है, मैंने चिकन क्यूब्स 2 ऐड किए हैं और मैंने इसमें चने भी ऐड किए हैं। ये क्योंकि बजट फ्रेंडली है तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो मैंने आपके लिए मज़ीद ऐड की हैं। मतलब आप चने डाल लें, चिकन थोड़ा कम कर लें, चने ज़्यादा डाल दें तो चिकन चने वाला पुलाव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं अब पानी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने मसाला भून लिया था। आप जैसे अपने हिसाब से मसाला बनाएं उसके बाद आप चिकन डाल दें, और चने बॉयल हुए हुए थे मैंने वो डाल दिए हैं, और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं, और सब्ज़ धनिया भी ऐड कर दी, और बस इसको ढक दूँगी और अब मैं इसको बंद कर दूँगी। जब मेरे गेस्ट आएंगे तब मैं बनाऊँगी इसको, फाइनल करूँगी। कल मुझे बड़ी हंसी आती रही, मैंने जो अपना पिछला व्लॉग मैंने अपलोड किया था उसमें यार मैंने कहा कि मैंने इमली की चटनी बनाई है। पता है क्या, हम लोग सराइकी लोग हैं, हम लोग ना इसको कच्ची अमलियां कहते हैं, कच्ची अमलियां, ठीक है। तो मेरे मुंह पे वही चढ़ा हुआ था कि अमलियां बनाई हैं, मैंने इमली की चटनियाँ बनाई हैं, मैंने इसको काट लिया। तो हम कैरी नहीं कहते हैं, हम अमलियां कहते हैं, अमलियां। तो उसकी मुझे इतने कमेंट्स आए कि ये अमलियाँ हैं, अमलियाँ नहीं हैं, ये कैरियाँ हैं, ये कैरी की चटनी है, ये कैरी की चटनी है। तो आपको देख के समझ आ रही थी ना कैरी है, तो बस फिर ठीक है, मकसद हल हो गया। तो हम कहते अमलियाँ हैं, आप कैरियाँ कहते हैं, तो मतलब बात तो एक ही है ना, चीज़ तो एक ही है ना। हमने ये चीज़ें रेडी कर ली हैं और शाजी लोग अभी अभी आए हैं, बड़े दिनों बाद है मेरी बहन। बस मैं मिस कर रही थी, मैंने भी इतने बका भी, पता है जी तो डिप्रेशन था या मैं कहीं आ जा नहीं रही थी तो इस वजह से। हाँ तो मैं डिप्रेशन की दवाई हूँ। क्या कर रही हो शाय, क्या है बटरफ्लाइज। और यहाँ पे जी अम्मी लोग आ गए तो इनको बहुत भूख लगी हुई थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने चावलों को भी दम दे दिया था और मैंने कटलेट्स जो है वो भी फ्राई किए थे, और अम्मी मेरी इतनी तारीफ करी थी ना कि मेरी बेटी ने बड़े अच्छे बनाए हैं। शामी बहुत अच्छा बनाया, अम्मी को दे यहाँ
पे मैंने चावलों का दम खोला था और हर चीज़ माशाल्लाह से इतने मज़े की बनी थी। अच्छा, मैं प्रॉपर दस्तरखान लगा के आज मैं नहीं दिखा रही यार दावत की चीज़ें, क्योंकि मैं जो है ना, क्योंकि अलग अलग सबने खाया था, अम्मी लोगों ने अलग से खाया था, फिर जब गेस्ट आए थे उन्होंने अलग से खाया था, और आज ही कोई हमारे घर में ये कोई बूंदी मटर जो है ना वो दे गया है। हालांकि आज तक कोई चीज़ ऐसी मतलब नहीं है, बहुत कम चीज़ें आती हैं, तो मैं इनसे कह रही थी कि तुम लोगों के आने की खुशी में ना हमारे महल्ले में मिठाई बंटी है क्योंकि नहीं बंटती ना हमारे घर में, बहुत कम चीज़ें बंटती हैं। अच्छा जी, हमारे गेस्ट जो हैं वो आ चुके थे और उनको मैंने खाना टेबल पे ही लगा के दे दिया था, इसलिए मैं प्रॉपर जो है ना उसका मैं नहीं शूट कर सकी, क्योंकि वो जैसे ही आए हैं तो मैंने कहा यार खाना पहले खा लो, क्योंकि चावलों का दम मैंने अभी अभी निकाला है और फिर वो मज़ा नहीं आता अगर वो ठंडे हो जाए। अच्छा, ब्राउनीज़ हाफ मैंने निकाल के मतलब खाना में बेची थी, आंटी लोगों के घर ही बेची थी, तो उनके पीछे मतलब भाई भी हैं और सारे, तो उनके लिए अलग से डाल के उनको भेजी थी, और यहाँ पे बस हर कोई, क्योंकि घर वाली बात है, कोई प्रॉपर मेहमान उस तरह हमारे फॉर्मल वाले नहीं हैं, तो घर वाली बात है, इसलिए जो जहाँ भी बैठ के हर कोई चीज़ें खा रहा था और आइसक्रीम भी साथ खा रहे थे और हम लोग चाय भी पी रहे थे, तो बस ऐसे हमारी गपशप जो है ना वो लग रही थी। इसके बाद ही हम लोग गए थे बाहर, मतलब साथ में हमारे DHA है ना, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा रात को फाउंटेन, डांसिंग फाउंटेन होता है म्यूज़िक के साथ, और बड़ा अच्छा माहौल होता है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा भी आज चल रही थी, तो बड़ा अच्छा माहौल था, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए रात को लेट नाइट वहाँ पे चले गए थे और यहाँ पे बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा जी, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो, और मेरे इंस्टा का पेज है नादिया का किचन 009, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं अपनी स्टोरीज शेयर करती रहती हूँ, तो मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।